Friends, good morning. This is Kumud from Kumudni's Home Gardens. So friends, today I was in my garden and I saw these flowers. So I thought आज का वीडियो मैक्सिकन पेटूनिया के नाम. So ये जो ये प्लांट मेक्सिको से शायद आया होगा इंडिया में, तो इसका नाम मैक्सिकन पेटूनिया हो गया. इट इज अ काइंड ऑफ वाइल्ड प्लांट फ्रेंड्स. इतना इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी चलती है और इसको लोग यूजुअली इसको जो है अपने पतली सी हेज बनाने के काम में लेते हैं, एजिंग कर लेते हैं. पतली सी हेज भी बन जाती है इसकी बहुत सो, तो इसको आप अपनी क्यारी के साथ साथ लगा दीजिए लंबाई में और ये बड़ी अच्छी एज बन जाती है, इसकी एजिंग हो जाती है लॉन एरिया में आपके. सो बड़े सुंदर लगते हैं. इसमें तीन कलर आते हैं फ्रेंड्स, ये वाइट है, आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे फूल निकले हुए हैं, भर भर के फूल आते हैं इसमें, भर भर के. और ये जो आप देख रहे हैं ना बर्ड्स, इसकी ये रोज खिलती हैं और रोज बर्ड्स बनती हैं और रोज फूल खिलते हैं और शाम तक ये फूल पीले पड़ गए और ये ख़त्म हो जाते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल वेक अप, आप फिर से इनको पाओगे इसी तरीके से, खूब सारे फूल खिले हुए, बर्ड्स बनी हुई. देख रहे हैं कितनी सारी बर्ड्स हैं, बर्ड्स ही बर्ड्स हैं. So, ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको ये बहुत ही इजी है लगाने के लिए. इसकी सॉइल में कोई खास इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी सॉइल इसके लिए चल जाती है और किसी भी सॉइल में आप इसको लगा सकते हैं. सॉइल थोड़ी, सॉइल की कंसिस्टेंसी कॉम्पोजिशन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना खिलता रहता है. तो इसको मार्च में लगाया जाता है, या तो बीज से ये लग जाता है या फिर इसकी कटिंग्स लगा ली जाती हैं. अगर आपके पास अच्छे से पौधे हों तो आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, जैसे कि इसकी ये यहाँ पे आप स्टेम देख रहे हैं, ये देखिए इसमें नोड एरिया बिल्कुल पास पास जुड़े हुए हैं और इसको बस जहाँ पे इसका जॉइंट होता है थोड़ा वुडी एरिया का और थोड़ा सा सॉफ्ट एरिया का, उस वुडी एरिया से आप इसको कट कर लीजिए और इसकी पत्तियां जो हैं, जो एक्स्ट्रा लीव्स इसकी निकली होती हैं, इनको निकाल के और आप इसको मिट्टी में पुश कर दीजिए इनसाइड, तो ये ग्रो कर जाता है. थोड़े दिन इसको शेड में रखिए और फिर ये धूप में, ये पूरा धूप का प्लांट है फ्रेंड्स, धूप में ही खिलता है. तो एक तो इसका वे हो गया प्रोपोगेट करने का कटिंग से और एक हो जाता है इसका सीड से. तो सीड्स तो अभी आए नहीं हैं, सीड्स आएंगे करीब अक्टूबर में शायद आएंगे, हाँ. तो अक्टूबर में इसके सीड्स आते हैं, सीड पॉड्स बनते हैं और वो पॉड्स अपने आप थोड़े दिनों में खुल के सीड्स वहीं गिर जाते हैं और वहीं पे बहुत सारे पौधे निकल आते हैं. तो वो पौधों को भी आप वहाँ से अपरूट करके और उनकी प्रॉपर जगह में लगा सकते हैं, या तो आप मिट्टी में लगा लें या फिर आप पॉट में लगा लें सीधे, या ग्राउंड पे लगा लें, कहीं भी लगा लें, तो वो पौधे तैयार हो जाते हैं. इसका ये एक और कलर है, पिंक कलर, ये भी बहुत खूबसूरत है. इसमें एक और तीसरा कलर भी आता है फ्रेंड्स, वो पर्पल कलर का होता है. तो वो पर्पल अभी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इधर उधर लगाया तो था गमले में कहीं, शायद खिला नहीं, ध्यान नहीं है, हो सकता है मेरी टेरेस पे हो. तो
वो भी होता है, तीन कलर होते हैं। सो दिस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल कलर, पिंक कलर। ये देखो इसमें भी बर्ड्स खूब भर के आई हुई हैं। तो ये चलते रहते हैं इस तरीके से, तीनों कलर आप इकट्ठे बीच बीच में लगा दीजिए, एक के बाद एक के बाद एक, तो ये बहुत ही सुंदर इसकी एजिंग बनती है फ्रेंड्स। सो अब क्या है कि इसकी जो सॉइल है उसमें तो आपको मैंने बताया कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन इसको पेस्ट की भी कोई समस्या नहीं है किसी भी तरीके की। ना इसमें पेस्ट लगता है, ना इसमें फंगस लगती है, ना इसको कोई कीड़े मकोड़े का डर है। ये बस चलता रहता है, वेरी हार्डी प्लांट फ्रेंड। एंड ये हमारे गार्डन में हमेशा ही रंग बिखेरता रहता है, तो इसको आप ज़रूर लगाइए फ्रेंड्स, बड़ा ही अच्छा पौधा है। और इसमें जो खाद है वो आप इसके फ्लावरिंग से पहले, जैसे मार्च में हमने लगाया, तो आप इसमें अप्रैल में आप इसको खाद दे दें, और हर महीने इसमें थोड़ा थोड़ा आप DAP या कुछ भी बदल बदल के खाद दे सकते हैं। अपने घर की कंपोस्ट है या फिर वर्मी कंपोस्ट है, आप वो भी डाल सकते हैं इसमें।